Presentation slides are provided on students request for purpose of quick reference only hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects students are expected to refer standard books for study for examination प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में अगला पार्ट जिसमें हम लोग थियोरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करेंगे है ना थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन से कैसे कोई भी पार्टिकल या मटेरियल में सेपरेशन आ रहा है कैसे हम कोई चीज को सेपरेट कर पा रहे हैं कौन सा वहां पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कितना लग रहा है है ना तो उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर एट द एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं तो देखिए थ्योरी ऑफ साइंटिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन कोलाइडल डिस्पर्सन है ना कोलाइडल डिस्पर्सन के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कोलाइडल डिस्पर्सन है ना माइक्रोमीटर से कम होगा तो द डिस्पर्स फेज में भी आइदर सॉलिड और अ लिक्विड देखो जब भी हम डिस्पर्स फेज की बात कर रहे हैं यहां पे सॉलिड या लिक्विड यानी कि ये बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात की जा रही है जहां पे सॉलिड या लिक्विड डिस्पर्स होगा अगर हम बात करें डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड है इसका मतलब कौन सा हुआ सस, हमारा सस्पेंशन होगा सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है तो सस्पेंशन और लिक्विड अगर डिस्पर्स फेज है तो इमल्सन तो सस्पेंशन या इमल्सन टाइप का कोई भी अगर कंपोनेंट हुआ हमारे पास या कोई फॉर्मुलेशन हुआ या कोई भी मटेरियल हुआ जिसमें से हमको कोई चीज सेपरेट करनी है तो हम वहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है पार्टिकल पार्टिकल्स हैविंग अ साइज अबव फाइव माइक्रोमीटर सेडिमेंट एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि पार्टिकल का साइज बड़ा है पांच माइक्रोमीटर से बड़ा है तो वहां पर पार्टिकल्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ सेडिमेंट होंगे सेडिमेंट होना मतलब नीचे बैठना जैसा कि तुम यहां एनिमेशन में देख पा रहे हो राइट हैंड साइड में देखो हमारे पास रेड ब्लू और येलो कलर के पार्टिकल्स हैं रेड ब्लू और येलो कलर के पार्टिकल्स जो धीरे धीरे नीचे की तरफ सेडिमेंट हो रहे हैं ठीक है तो ये जो सेडिमेंटेशन हो रहा है ये ग्रेविटेशनल के फोर्स के कारण ग्रेविटी के कारण हो रहा है ठीक है इन सच केस सेपरेशन ऑफ सॉलिड इज पॉसिबल बाय सिंपल फिल्ट्रेशन तो ऐसे केसेस में हम सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से भी क्या कर पाएंगे सेपरेशन कर पाएंगे जब पार्टिकल का साइज बड़ा है ठीक है लेकिन जब बात करें हम इफ देयर आर या इफ पार्टिकल्स आर ऑफ ऑर्डर ऑफ फाइव माइक्रोमीटर और लेस अगर पार्टिकल का साइज पांच माइक्रोमीटर या उससे भी कम हुआ दे अंडरगो ब्राउनियन मोशन दे अंडर गो ब्राउनियन मोशन देखो ब्राउनियन मोशन रेंडम मूवमेंट होता है ना पार्टिकल्स का अपने आप जैसा तुम आप यहां पे देख पा रहे हो यहां पे ये यह जो एनिमेशन इसमें देखो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल हैं देखो रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं है ना तो आप देख पा रहे होंगे कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं जो बड़े रेड कलर का जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर का दिख रहा है और येलो कलर का जो पार्टिकल दिख रहा है वो नीचे सेडिमेंट हो रहा है सिंक हो रहा है लेकिन वहीं पास ये जो छोटे पार्टिकल हैं जो बहुत ही फाइन पार्टिकल हैं जिनका साइज पांच माइक्रोमीटर से भी कम है वो क्या हो रहा है सेडिमेंट नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा क्योंकि उसमें ब्राउनियन मोशन होता है ब्राउनियन मोशन के कारण वो इट क्या होते हैं डिस्पर्स होते रहते हैं वो सेडिमेंट नहीं होते तो अगर वो सेडिमेंट नहीं होते तो क्या सिंपल जो फिल्ट्रेशन मेथड है या सिंपल हम सेडिमेंटेशन मेथड से इसको सेपरेट कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे ठीक है हेंस दे डू नॉट सेडिमेंट अंडर ग्रेविटी ग्रेविटी ये gravity के फोर्स में सेडिमेंट नहीं होने वाले देयर फॉर अ स्ट्रॉन्गर फोर्स यानी कि सेंट्री फ्यूगल फोर्स इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू सेपरेट देम तो इसको सेपरेट करने के लिए हमको बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स की नीड पड़ेगी ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा और वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक है द सेडिमेंटेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द सेडिमेंटेशन दूसरा इस एक चीज और पे डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी पे है ना डिस्पर्सन मीडियम के डेंसिटी पे और डिस्पर्स फेज की डेंसिटी दोनों की डेंसिटी में क्या डिफरेंस अगर दोनों सेम डेंसिटी का हुआ तो भी सेप्रेशन में मुश्किल होगा ठीक है या उनके बीच में डिफरेंस कम हुआ तो भी मुश्किल होगा तो इफ द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ दिस फेज इज लेस अगर इनके बीच में डिफरेंस कम हुआ यानी कि जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है दोनों में डिस्पर्सन मीडियम मतलब जिसमें वो डिस्पर्स है जैसे कि अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो वाटर वहां पे क्या है अगर वाटर सस्पेंशन की बात करें तो वहां पे वाटर डिस्पर्सन मीडियम होगा और उसमें जो पार्टिकल हमने डिस्पर्स करके रखे हैं वो क्या होंगे डिस्पर्स फेज होंगे तो अगर इन दोनों की डेंसिटी में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है अगर लेस अगर बहुत कम है तब क्या होगा अगेन सेपरेशन इज अगेन सेपरेशन इज डिफिकल्ट हम सेपरेशन यहां पे बहुत आसा, आसानी से नहीं कर पाएंगे बहुत डिफिकल्टी आएगी ठीक है बाई अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज पॉसिबल टू फेसिलिटेट द सेपरेशन प्रोसेस क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है इंक्रीजेस द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ये रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को बढ़ा देता है इसलिए उस कंडीशन में सेंट्री फ्यूगल फोर्स अप्लाई करके हम सेडिमेंट करा सकते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को वो बढ़ा देता है सेडिमेंट होने का मतलब होता है पार्टिकल का सेपरेट हो जाना सिंक हो जाना नीचे की तरफ बैठ जाना ठीक है तो आई होप आप लोग ये एनिमेशन से काफी हद तक समझ गए होंगे ये हमारे पास एक सस्पेंशन है जिसमें कुछ बड़े पार्टिकल हैं और कुछ छोटे पार्टिकल जो छोटे पार्टिकल हैं वो ब्राउनियन मोशन करते हैं इसलिए वो सेडिमेंट नहीं होते हैं जो बड़े पार्टिकल हैं वो ग्रेविटी के कारण सेडिमेंट हो जाते हैं ठीक है बड़े पार्टिकल ग्रेविटी के कारण सेडिमेंट हो जाते हैं अब बात करते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है या इसको बोलते हैं रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट और रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक है ध्यान से देखिएगा और समझिएगा क्योंकि अगर आपने ये, ये पार्ट को समझ लिया तो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रिंसिपल है वर्किंग प्रिंसिपल या बोल सकते हैं जो उसकी थियोरी है कि कैसे काम करता है वो तुमको समझ में आ जाएगा ठीक है देखिए द सेंट्रीफ्यूगल ऑपरेशन इज सेंट्रिकाइब्ड बाई इक्वेशन इंक्लूडिंग द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट द डेरिवेशन इज एज फॉलो देखो हमको अभी इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिटिवली हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं है ना और इसको डेराइव करके निकालेंगे तो वो कैसे है देखो आगे इसको एक के बाद एक बात करते हैं कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास जी रोट ठीक है एक हम आ, एक मास का हम एज्यूम करते हैं कंसीडर करो है ना मान लो कि एक कोई पार्टिकल है जिसका वजन कितना है एम के जी है ना मास कितना है उसका एम के जी एक पार्टिकल है जो कि रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ जो कि एक सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है ठीक है ऑफ रेडियस आर मीटर जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस कितनी है आर मीटर है एट अ वेलोसिटी ऑफ वी मीटर पर सेकेंड और उसकी जो वेलोसिटी है वो वी मीटर पर सेकेंड है ऐसा हम मान लेते हैं ठीक है तो हमारे पास देखो ये एक पार्टिकल है एम इसका क्या है मास यानी कि द्रव्यमान वजन ठीक है तो ये मास हो गया एम और ये आर रेडियस के पाथ में सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है घूम रहा है ठीक है और v जो है इसकी वेलोसिटी है वो v मीटर पर सेकेंड है द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इन अ रेडियल डायरेक्शन इज गिवन बाई अब रेडियल डायरेक्शन में इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे ये जो फोर्स एफ की बात कर रहे हैं रेडियल डायरेक्शन में देखो रेडियल डायरेक्शन का मतलब बाहर की तरफ है ना सेंटर की तरफ नहीं बाहर की तरफ मैं सेंट्री के बारे में पहले बता चुका हूं कि जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको सेंट्री फ्यूगर फोर्स और हम उसी इफेक्ट की बात कर रहे हैं ठीक है है तो देखिए फोर्स एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन क्या होता है? हम इसको एक्सप्रेस करते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर यह आप लोग ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके होंगे है ना हम उसको डिराइव कर रहे हैं और हम इसमें एक कंक्लूड करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे वर्क करता है तो इक्वेशन फर्स्ट समझ में आया आप लोग को कैसे आया होगा तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं अगर कोई एम के जी का कोई पार्टिकल आर रेडियस के से, सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलर पाथ में अगर वी मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ है ना वेग के साथ वेलोसिटी मतलब वेग है ना रेडियस मतलब त्रिज्या और एम जो है उसका मास यानी कि द्रव्यमान है तो एम आर और वी

ज इक्वल टू सेंट्री फ्यूगल फोर्स एब को हम क्या बोल रहे हैं सेंट्रिक्यूगल फोर्स ठीक है अभी जो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम न्यूटन में भी बता सकते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन न्यूटन में अपन बात करते हैं तो एन जो है ये न्यूटन बताता है ठीक है द सेम बॉडी जो हमने अभी बात की एम एम द्रव्यमान वाला सर्कुलर पाथ में घुम रहे अभी सेम बॉडी बॉडी बोल रहे हैं मतलब वही वही बॉडी है वही वही मास वही द्रव्यमान है वही वस्तु है ठीक है इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेविटेशनल फोर्स इट कैन बी अगर बॉडी अभी घूम नहीं रहा होगा तो उस पे भी लग रहा होगा ठीक है या भी रहा है, तब भी उस पर ग्रेविटी तो कितना, मतलब, कितना लगेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कैपिटल जी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि कैपिटल जी इज इक्वल टू एम इन टू जी एम क्या है इसमें मास है और जी क्या है एक्सक्लोरेशन है ना मतलब जो हमारा जी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी small g जो होता है गुरुत्वाकर्षण और सॉरी कैपिटल जी क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल और जी स्मॉल जी क्या होता है त्वरण है ना एक्सलेशन एक्सलेन मतलब त्वरण तो वेयर जी इज एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी के कारण लगने वाला एक्सक्लेशन है जिसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो सेम बॉडी पे सेंट्री रेडियल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू एम एम वी स्क्सी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है M G. तो ये दोनों इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा द सेंट्रिक्यूगल इफेक्ट इज एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ सेंट्री फ्यूगल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स अब हम लोग बात करें सेंट्री फ्यूगल इफेक्ट की किसकी बात कर रहे हैं सेंट्री फ्यूगल इफेक्ट अगर हम सेंट्रिक्यूगल इफेक्ट का एक्सप्रेशन करें उसको कैसे लिखना है तो वो क्या होता है रेशियो होता है किसके किसके बीच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो ठीक है इन अदर वर्ड्स सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इज फोर्स इज अ नंबर ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशन फोर्स यानी ग्रेविटी से कितना गुना ये ज्यादा लग रहा है इस फॉर्म में जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ठीक है सेपरेशन पावर या सेपरेटिंग पावर ऑफ अ फ्यूग इज एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल एक्सक्लेशन ग्रेविटी के कितना गुना ये फोर्स लगा पा रहा है उसको हम उसका क्या बोलेंगे सेंट्री फ्यूग फ्यूग सेंट्री सॉरी पार्ट सेपरेटिंग पावर बोलेंगे सेंट्री कि फ्यूग कितना पावर का है सेपरेटिंग पावर को एक्सप्रेस करना हुआ तो किसमें एक्सप्रेस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो में तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं द रेशियो में वैल्यू एज हाई एज ये जो रेशियो है ना टेन टू पावर फोर के बराबर तक भी हो सकता है समझ रहे हो टेन टू पावर फोर टाइम्स ग्रेटर हो सकता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएंगे तो इतना तक पहुंच सकता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन की बात कर लेते हैं द सेंट्रीफ्यूगेशन इफेक्ट कैन बी एक्सप्रेस डेट जो हमने अभी बात की रेशियो की हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं आप फोर्स एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन सी इज इक्वल टू अगर हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं है ना फोर्स एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन सी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो है बेसिकली इसको हम यहां पास ये लाइन जो है इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे आप लोग सेंट्री फ्यूगल इफेक्ट हम इसको क्या बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इफेक्ट इज इक्वल टू ठीक है ये लाइन को अलग जगह पे रखना था बट इसके बगल में है ये तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट यानी कि सी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब एफ अपॉन जी एफ जो हम लोग इक, में निकाला था वो एफ है और इक्वेशन सेकेंड में जो निकाला है वो जी है तो जब हम एफ अपन जी करेंगे तो जो आएगा वैल्यू वो क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट का एक्सप्रेशन होगा ठीक है अब क्योंकि हमें स्लाइड चेंज करने वाले हैं तो समझ लेते हैं कि ये जो देखो ये जो है ना हम इसको टॉप से देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये किसी सेंट्रीफ्यूग के अंदर है कोई पार्टिकल घूम रहा है मान लेते हैं तो हम इसको टॉप से देख रहे हैं तो जब कोई सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है तो देखो पार्टिकल्स सेंटर से वॉल की तरफ मूव करता है क्यों सेंटर से वॉल की तरफ क्योंकि उसके फोर्स जो है रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है रेडियल डायरेक्शन में तो पार्टिकल्स धीरे धीरे दीवार की तरफ आगे बढ़ता है और इसी, इसी वजह से हो पाता है ठीक है इसी को हम सेंट्री फ्यूगल फोर्स बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं सेंट्री फ्यूगल फोर्स तो चलिए बात करते हैं डेरिवेशन की है ना अब यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा ठीक है तो देखो सी को हम लोगों ने अभी बताया था सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट या इसको हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इफेक्ट या दूसरे वर्ड में हम क्या बोलते हैं रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो इसको हमने अभी एक्सप्रेस किया था कि फोर्स एक्टिंग एन रेडियल डायरेक्शन अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स तो एफ अपॉन जी एफ की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में कितना लिखा था एम वी स्क्वायर और जी की वैल्यू एम जी आर ठीक है जी कैपिटल जी की वैल्यू एम जी आर यहां पास जो है आर आर जो होगा ठीक है तो देखो एफ अपॉन जी में ये जो आर कहां से आया है या कैसे आया ठीक है हम लोग इसको देखेंगे हम लोगों ने एम जी आर कैसे आया एम वी स्क्वायर अपॉन आर था ठीक है ये मत सोच लेना कि गड़बड़ हुई है यहां पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है ये ये हमारा एफ इक्वल टू था और जी इक्वल टू कितना था एम जी तो जब हम लोग एफ की वैल्यू लिखेंगे तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही तो लिखेंगे इनटू करेंगे वन अपॉन जी इनटू वन अपॉन जी ही तो करेंगे तो एफ अपॉन जी बन जाएगा तो वन अपॉन जी जी कितना था एम जी तो एम जी आर तीनों यहां पर आ गया है ना तो यह मत सोचना कि गड़बड़ गर, है यहां पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर तो एम वी स्क्वायर अपॉन एम जी आर हमारा C जो आया रे, रेशियो जो आया है वो ये है अब m से m कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनली v स्क्वायर अपॉन g इंटू आर ठीक है ये C की वैल्यू आई अभी अब हमको ये चीज पता है कि जब जब एंगुलर है ना जब एंगुलर मूवमेंट हो रहा होता है तो v का कोड़ी वेग जो होता है कोणीय वेग जिसको बोल रहे हैं वो मेगा आर होता है ठीक है रिलेशन बाय बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है तो v इक्वल टू कितना होता है ओमेगा आर है ना v इक्वल टू कितना होता है ओमेगा आर और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एन समझ गए तो v को हम क्या लिख सकते हैं सबसे पहले ओमेगा आर v को सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा आर और वी के ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं वोमेगा आर के ऊपर स्क्वायर और वोमेगा की वैल्यू कितनी होती है टू पाई एन तो अल्टीमेटली वी इक्वल टू क्या जाएगा? टू पाई एन आर हो जाएगा वी की वैल्यू इस वोमेगा की वैल्यू इस यहां पे हम पुट कर देंगे तो वी की वैल्यू कितना आ जाएगी टू पाई एन आर ठीक है तो हम यहां पे इसी चीज को यहां पे लिख रहे हैं बट वी इक्वल टू टू पाई एन आर या आर एन ठीक है एक ही बात है वेयर एन एन क्या है यहां पास स्पीड ऑफ रोटेशन जिसको हम बोलते हैं आरपीएम रिवोल्यूशन पर सेकंड है ना यहां पे हम लोग स्पीड ऑफ रोटेशन की बात कर रहे हैं वो पर सेकंड में होगा पर मिनट नहीं पर सेकंड होगा तो स्पीड क्या हो जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकंड ऑफ ऑफ्रीफ्यूब अब देखो सब्सिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन थ्री ये जो इक्वेशन थ्री निकल के आया है सीक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर इसमें हम इस वैल्यू को वी की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं कौन सा टू पाई एन आर तो हम देखो टू पाई एन आर या आर एन का होल स्क्वायर हो गया अब इस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो टू इंटू इक्वल टू फोर हो गया पाई के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा आर के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और एन के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा यहां पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोग को ठीक है अब ये जो एक आर है इस एक आर में से आर स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या फोर पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर अपॉन जी तो ये अभी हमारे पास फाइनल अभी रिलेशनशिप क्या आ गया जो रेशियो या बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है वो इसके बराबर हो गया इक्वेशन फोर जैसे कि हमको पता है पहले से टू आर इक्वल टू डी होता है मतलब रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर होता है वेयर इज डायमीटर ऑफ द रोटेशन रोटेशन जैसे किसी रेडियस पे हो रहा है तो हम अभी तक इसको आर मान रहे हैं तो इसी व्यसल का पूरा का पूरा अगर डायमीटर ले लें ले, तो टू आर के बराबर होगा तो डी क्या होता है डायमीटर होता है डायमीटर ऑफ द रोटेशन तो अभी हम डी से रिप्लेस कर रहे हैं ये जो फोर पाई स्क्वायर आर एन था फोर को हम लिख सकते हैं टू इंटू टू फोर को हम लिख सकते हैं टू इंटू टू तो टू इसमें से टू आर टू आर की जगह पे हम क्या लिख पाएंगे डी लिख पाएंगे तो बचा सिर्फ यहां पे क्या टू तो टू पाई स्क्वायर डी एन स्क्वायर अपॉन जी अभी हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप क्या आ गया टू पाई स्क्वायर डी एन स्क्वायर अपॉन जी ठीक है अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है हमारे पास डायमीटर के टर्म्स में आ गया ग्रेविटी के टर्म्स में आ गया तो द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये जो जी होता है ये कांस्टेंट होता है आपको पता है जी की वैल्यू कितनी होती है 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है जी की वैल्यू सो इक्वेशन फाइव कैन बी सिंप्लीफाइड एज ये इक्वेशन फाइव जो आया था इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो पाई की वैल्यू भी हम यहां पे पुट कर सकते हैं पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर होता है एक्चुअली थ्री पाई की वैल्यू इतना होता है ठीक है जब हम इसका स्क्वायर करते हैं सॉरी uh, टू की वैल्यू और स्क्वायर इन सबको सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू रखकर हम टू पाई स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना जाएगा टू जीरो राउंड फिगर में हम इसको क्या लिख सकते हैं सेवन थ्री नाइन लिख सकते हैं सेवन थ्री नाइन या इसको लिख सकते हैं पूरा पूरा वैल्यू भी लिख सकते हैं तो पाई की वैल्यू पुट कर दें और जी की वैल्यू पुट कर दें पाई भी कांस्टेंट होता है और जी भी इन दोनों की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं और उसका सॉल्व करते हैं तो टू पाई स्क्वायर अपॉन जी जो होगा टू पाई स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू पाई स्क्वायर जी इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइनटीन पॉइंट सेवन थ्री नाइन टू हम लोगों ने इसकी वैल्यू यहां से निकाली और जी की वैल्यू हमको पता है इन दोनों को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना जाएगा टू पॉइंट जीरो वन टू सेवन सिक्स सेवन टू नाइन या इसको हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं टू पॉइंट जीरो वन थ्री टू पॉइंट जीरो वन थ्री लिख सकते हैं तो हमने इस पूरे का इस इक्वेशन फाइव जो था इस इक्वेशन फाइव में हम इस पूरे का वैल्यू सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे टू पॉइंट जीरो वन टू या वन थ्री है ना ये हम लिख सकते हैं तो अब हमारे पास फाइनल जो रिलेशनशिप आएगा वो क्या गया सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इज टू पॉइंट जीरो वन थ्री और ये डी एन स्क्वायर अभी भी बचा रहेगा तो डी ने एन स्क्वायर हमारे पास फाइनल रिलेशनशिप ही आ गया जिसको हमने इक्वेशन सिक्स कह दिया इसको हमने क्या कह दिया इक्वेशन सिक्स अब इक्वेशन सिक्स में एन जो है वो एक्सप्रेस इन पर सेकेंड ठीक है तो देखो ये जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जो है फाइनली हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो अभी एन जो है इसमें सेकेंड इनवर्स यानी पर सेकेंड और डी क्या होगा किस में होगा मीटर में होगा d की वैल्यू किसमें होगी मीटर में वैल्यू होगी और n की वैल्यू जो होगी सॉरी n की वैल्यू हाँ n की वैल्यू पर सेकेंड में होगी और d की वैल्यू मीटर में होगी है ना डायमी को हम मीटर में एक्सप्रेस करेंगे ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई चलिए बात करते हैं ये जो अभी हमें फाइनल रिलेशनशिप जो हमने निकाला है इक्वेशन सिक्स और फाइव में उसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं तो वेदर द मेजरमेंट ऑफ डी इज मेड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और फ्रॉम दिव टिप ऑफ द ट्यूब टू बी सेंटर ऑफ अट्रीफ्यूग शुड बी मैं वाइल्ड रिपोर्टिंग द सेंट्री फ्यूगल इफेक्ट जब हम सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की बात करें तो जो डाईमीटर है उसको कैसे मेजर करेंगे तो जैसे जिस वैसल में ये सेंट्री फ्यूग हो रहा है और इसमें हमने कोई लिक्विड भरी हुई है ये लिक्विड भरा हुआ है तो ये लिक्विड का जो सरफेस है ये जो लिक्विड है इसका जो सरफेस है यहां से यहां तक फ्री सरफेस मतलब ये सरफेस इसका जो बीच का जो डायमीटर होगा या तो वो या हम इस ट्यूब का डायमीटर जिस ट्यूब में ये लिक्विड भरा जा रहा है इस ट्यूब का जो डायमीटर होगा वो उसी को हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स का डी का वैल्यू है उसको हम पुट करते हैं है ना एक्सप्रेस करते हैं ठीक है तो फ्रॉम इक्वेशन फाइव एंड सिक्स हम इक्वेशन फाइव और सिक्स से हम देखते हैं क्या पता चल रहा है फ्रॉम इक्वेशन फाइव एंड सिक्स इट कैन बी इनफर्ड दैट इनफर्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना अनुमान कह, या कह सकते हैं हम हम पांच इक्वेशन फाइव को और इक्वेशन सिक्स को देखकर हम ये कह सकते हैं क्या कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर डायमीटर सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जो है वो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी डायमीटर बढ़ाने से सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट बढ़ेगा ठीक है दूसरा बात करें सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ़ रोटेशन स्क्वायर जो स्पीड ऑफ रोटेशन है उसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट यानी स्पीड बढ़ बढ़ाने, uh, बढ़ाने से दोनों ही चीज बढ़ाने से सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जो है वो बढ़ेगा ऐसा हम क्या सकते हैं इक्वेशन फाइव और सिक्स को देखकर ठीक है अब जब हम ये कह सकते हैं तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में हमको क्या क्या करना चाहिए कब इफ इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इट इज ऑफ ग्रेटर एडवांटेज टू यूज अ फ्यूग ऑफ सेम साइज जब हमको इफेक्ट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे सेंट्री सेम साइज का लेंगे एट अ हायर स्पीड रदर देन यूजिंग अ लार्ज सेंट्रीफ्यूग एट द सेम स्पीड ऑफ रोटेशन सेम स्पीड डायमीटर बढ़ाने से अच्छा हम उसी डायमीटर वाले इक्विपमेंट के स्पीड को बढ़ा दे क्यों देखो क्योंकि देखो अगर तुमने स्पीड सेम रखा और सिर्फ डायमीटर बढ़ा रहे हो तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा बल्कि कम हो जाएगा उसी के जगह पे हम बात करें इस डायमीटर सेम रखो पर स्पीड को तुम ज्यादा बढ़ा दो क्योंकि एन स्क्वायर है ना स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो टू टाइम्स स्क्वायर के बराबर बढ़ेगा इस्कौ... समझ में आई बात एन का स्क्वायर है स्पीड का स्क्वायर है मतलब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो वो इफेक्ट जो है उसके डबल टाइम्स के बराबर बढ़ रहा है थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो उसका कई गुना बढ़ेगा तो डायमीटर बढ़ाने के बजाय हम स्पीड को बढ़ाएं समझ में आई बात डायमीटर को बढ़ाने के बजाय हम स्पीड को बढ़ाएंगे वो ज्यादा अच्छा है तो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि इफ द रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेंट्रिफिकल इफेक्ट अगर हमको सेंट्रिफिकल इफेक्ट बढ़ाने की जरूरत है इट इज ऑफ ग्रेटर एडवांटेज टू यूज अ अट्रीफ्यूग ऑफ सेम साइज हम हम ज्यादा एडवांटेज क्या होगा सेम साइज का ही हम सेंट्रीफ्यूग रखें एट अ हायर स्पीड हम क्या करें स्पीड बढ़ा दें रदर देन बजाय इसके कि लार्ज सेंट्रीफ्यूग रख लिया और स्पीड सेम रख लिया स्पीड हमने उतना ही रखा और साइज बड़ा कर दिया उसकी बजाय ज्यादा अच्छा होगा कि साइज वही रखो स्पीड बढ़ा दो समझ में आई बात इसके अलावा देखिए इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेंट्रीफ्यूग दैट हैज द दोप्रिएट कैपेसिटी सिंस द सेंट्री इज सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल स्ट्रेस इन ऑपरेशन लार्जरी ड्यू टू द फ्लूड ऑन द वॉल इट कैन बी सोन दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड एंड द डायमीटर दिस प्रिंसिपल इज यूजफुल फॉर सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड एज असन देखो एक चीज और याद रखना की जो हमको सेंट्रीफ्यूकल जितना छोटा हो उतना अच्छा है क्योंकि यह जो फोर्स लग रहा है ना सेंट्रीफ्यूकल फोर्स यह प्रेसर के जैसा लगता है जैसे कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी वेसल में क्योंकि ये दबाव डालता है ना स्वीटर जैसे तुम देखोगे ये दीवार है अब जो सेंटिफिक फोर्स लगाएंगे वो इसकी दीवार पे ही तो फोर्स अप्लाई करेगा जितना बड़ा सेंटिफिक उतना ज्यादा इस पे क्या लगेगा दीवार पे दबाव लगेगा तो हमको उसको हैंडल करने में या उसको मैनेज करने में मेंटेन करने में डैमेज को रोकने में हमको थोड़ा सा ज्यादा उसमें मजबूती की नीड पड़ेगी या बोल सकते हैं ज्यादा केयर की नीड पड़ेगी तो उससे अच्छा है कि हम छोटा ही इस्तेमाल करें अप्रोप्रिएट जि, कैपेसिटी जिसमें काम चल जाए हमको बड़ा साइज लेने की जरूरत नहीं है जितना बड़ा साइज उतना मुश्किल जाएगा ठीक है और इसी के बेसिस पे सेंट्रीफ्यूब वर्क भी कहता है द सेंट्रीफ्यूग इज डिजाइन टू शूट द रिक्वायर्ड पर्पज इफ अर्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इज टू बी प्रोसेस्ड एंड अ लो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इज सफिशियंट टू सेपरेट अगर बहुत ज्यादा हमको मटेरियल को सेंट्रीफ्यूग करना है और धीमे स्पीड में हमारा एफिसियंट सेपरेशन हो जाता है देन इट इज इकोनॉमिकल टू यूज लार्ज सेंट्रीफ्यूब ऑपरेशन एज लो स्पीड तो जब हम बल्क में अगर सेंट्रीफ्यूग करना चाहते हैं और अगर कोई ऐसा मटेरियल जो कम स्पीड में भी एफिशियंट है पर्याप्त है तब वहाँ पर हमको ज्यादा इकोनॉमिकल अगर बात की जाए तो लार्ज सेंट्रीफ्यूब का यूज करना इकोनॉमिकल होगा लो स्पीड में बड़ा यहाँ पर बड़ा सेंट्र फ्यूब ले लेंगे और स्पीड कम रख लेंगे ठीक है द सेंट्री फ्यूगल सेगमेंटेशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स रिक्वायर हाई सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट फॉर दिस परपज इक्विपमेंट ऑफ आई स्मॉल डाइमीटर इज यूज देखो जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है ना तो बहुत हाई सेंट्री फ्यूगल इफेक्ट की नीड है बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी हमको इसको कई टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा सेंट्री फ्यूगल इफेक्ट तो हमको वहां पर सुटेबल क्या होगा स्मॉल डायमीटर डाईमीटर कम रखें डाईमीटर ज्यादा ना रखें हम स्पीड बढ़ा दें डायमीटर ज्यादा ना रखें बट ऑपरेशन एट वेरी हाई स्पीड हम बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ट्यूबुलर बाउल सेंट्रीफ्यूब जो होता है ना ट्यूबुलर बाउल सेंट्रीफ्यूग हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप का होता है जिसको डायमीटर बढ़ा देते हैं डायमीटर कम कर देते हैं स्पीड बढ़ा देते हैं लेकिन इसको हाइट ज्यादा दे देते हैं और उससे हमारा क्या हो जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ज्यादा होता है सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट ज्यादा होता है द सेंट्रीफ्यूग फ्यूब इज कंपेरेबल अ प्रेशर वेसल इसको हम प्रेशर वेसल से कंपेयर कर सकते हैं जहां प्रेशर अप्लाई हो रहा है देर फॉर इट मस्ट बी हैंडल विथ सेम केयर एज द हाई प्रेशर ऑटोक्लिप जब हम बोल रहे हैं कि सेंट्रिक हाई स्पीड पर कर रहे हैं तो वो बहुत प्रेशर डालेगा और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्रेशर वेसल की तरह कि किसी प्रेशर किसी वेसल में एक बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उसको हमको केयर की जरूरत पड़ती है सेफ्टी की जरूरत पड़ती है वैसे ही केयर की जरूरत हमको सेंट्रिक की भी पड़ेगी क्योंकि भी बहुत ज्यादा स्पीड से जब घूम रहा होगा तो उसमें बहुत प्रेशर होता है और उसमें टूटने इंजरी होने की रिस्क बहुत होती है तो उसको हम वैसे मटेरियल से बनाएं उसको उतने केयर से हैंडल करें है ना तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट एंड रिलेटिव सेंट्रीफ्यूग ये थ्योरीज के बारे में आप लोग समझ गए होंगे डेरिवेशन के बारे में समझ गए होंगे अगर फिर भी आपको कोई पार्ट में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग क्लासीफिकेशन ऑफ सेंट्री की बात करेंगे और किसी इक्विपमेंट की शुरुआत भी करेंगे ओके तो आई होप आप लोग को क्लास मेरी जो है अच्छा लगा होगा इंटरेस्टिंग होगा तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर एट वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा आपका एक लाइक हमें और ज्यादा ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू